ये यहाँ से आपके साथ हम लोग थे, मार खा रहे थे ये, तब आपने नहीं देखा वो मार कैसे रहे थे? उनके गुंडा ही है ये, बीजेपी का नेता उनके साथ मिलकर इनको मार रहा है। बीजेपी के पास वीडियो है, बीजेपी के नेता उनके साथ बीजेपी नेता रोल कृष्णा, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पूरी अभद्रता जिला प्रशासन ने किया है और किसको लेके ये बवाल हुआ? आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ दिल में चुनाव चल रहे हैं। मियांगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे, अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे दो स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोगों को मारा पीटा है, मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे, जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे, हमसे गाली दे रहे हो, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा बेटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए, मतलब सीडियो का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया, पर सीडियो लगातार मीटिंग में आते पहचानते, उसके बाद हमको जबस्ती मार रहे हैं। से तौर तुमको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में रुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उनको हाथ पकड़ पकड़ के किनारे पर प्याद किनारे कर रही है ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। Thank you.
क्या भाई कहाँ हल्ला रखा है? चले पीछे आ दिया, पीछे आ दिया, चले 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 थोड़ा हट जा लोग, थोड़ा हट जा लोग। शुरू से लेकर सर आज तक प्रचार के दौरान ग्राम सिलाई में घटना हुई थी, सर रिवाल्वर लेकर के ऐसे नचा करके जो बच्चे गए थे अपना प्रचार प्रसार में, आओ सब फरियाला से, आओ सब फरियाला से। हम लोग थे चार गाड़ी लगा के सरौली में मंदिर के पास बैराम चाह के सर हुए सर फिर करके गाड़ी आगे पीछे लेकर बैठकर इस तरह नाच नाचना करके और सावर से कहीं खड़ा होना ठीक है सर। आदिलाबाद में कल परसों की घटना है, पुलिस की गाड़ी कोतवाली की गाड़ी दो गाड़ी लगा करके इतनी घटनाएं बता रहे हैं उसको रिटेन में थाने पे दिया आपने? बिल्कुल बात किया सर, नहीं नहीं बात नहीं, आपने थाने पे कंप्लेंट करी रिटेन में दिया जी? दिया है, रिटेन में दिया जी, कुछ नहीं कार्रवाई हुई रिटेन में दिया जी, पहली घटना पर दिया कुछ नहीं हुआ, सिलाई में थाने में ही था। आपने कब दिया था? कोतवाली में गए इंस्पेक्टर साहब अपना फोन करते रहे, अरे यार उसको ले आओ पहुँचाओ ले आओ पहुँचाओ, फिर इंस्पेक्टर साहब ही तिवारी प्रमोट पे बुलवाए, हम लोग अपनी गाड़ी भेज करके उसको हम लोग गए सर रात में 6-7 बी डी सी को पीयूष राय 15 पीयूष राय और देश राय 15-20 असलाधारी लोगों के साथ हम लोग आ रहे थे सटा करके अपना रिवाल्वर 7-6 सदस्यों को लेकर के चले मिर्जाबाद मनिया चट्टी से कौन सा पड़ेगा इसी जिले में जी 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 यहाँ से 6-7 तमाम लोग आज वाले जो है उनको वापस करा दो, उनका वोट डलवा दो। अभी हम लोग चेक कराते हैं उनके घरों पे भी भेज के, जो भी चेक नंबर है उनके घरों को भेज के आपने नाम लिखा होगा जी, उनके घरों को भी चेक कराते हैं जो आपने लिख दिया होगा उसको सत्यापन कराते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कितना फीस लगा है बाकी लोग हम भाई नहीं होगा तो इसका बहिष्कार करेंगे, हमारी इच्छा जरूर है लेकिन हम चाहते हैं कि ये बदनामी ना हो सकता, कोई बदनामी नहीं होगी, बदनामी जो करने की कोशिश करेगा फिर वो भुगतेगा, लेकिन अगर किसी ने खलल पैदा करने की कोशिश की तो मुक्त सर मतदान होगा ही बिल्कुल होगा, सदस्य ही नहीं आएंगे कंप्लेंट करिए लिखा पड़ी में हम लोग उसको वेरीफाई करा सदस्य जो है उनका करवाए आप लोग वेरीफाई करा लोकेशन कहां है ठीक है लोकेशन कहां है नहीं सर जब इंस्पेक्टर कह रहा है जब एसपीओ डीएम आपके यहां गए तो इंस्पेक्टर कौन बोला जो कहेगा कल हमने बता दिया उसको सस्पेंड करके मुकदमा दायर कराएंगे जो बदमाशी करे सर चाहे वो जो हो 11-3 तक मतदान होगा और 3 के बाद मतगणना होगी, उसी क्रम में हम लोग विकास खंडवार विश्लेषण कर रहे हैं, उसी क्रम में हम अहमदाबाद आए हुए हैं, अभी 2 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना मत डाला हुआ है और बाकी मतदान लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सर यहाँ पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ BDC मेंबरों का जो अपहरण कर लिया गया है और भाजपा विधायक के पुत्र पर यह सीधा सीधा आरोप लगाया गया, तहरीर भी दी गई है, विधायक लोग लैका हम उठा हमारे लैका के ले गए तब से हम खोज तीन परेशान बनी हमारे लैका लोग पुलिस में कम्प्लेन भइल बाटे हाँ हाँ भइल बा हमारा पति
बेटी से लड़कल उनके गल नाम धाम पर उनके मिर्जापुर लौटानी में मिर्जापुर ले उठा ले गल वो पैदावी जो है। अच्छा तो कब उठाओ गए रात में? रात से लेकर अब तक उनको पता चल पाए कहाँ बाटा? मुझे पता नहीं। कहाँ कहाँ खोज ली आप लोग अभी? तो पुलिस में कंप्लेन कर ले बाटी आप लोग? ठीक देखिए पहले कानून पर निर्भर करता है। प्रमुख जी अभी आप लोगों ने तहरीर दी है, किस प्रकार की तहरीर दी है, क्या है पूरा वाक्य? वाक्य ये है क्षेत्र पंचायत के समक्ष सदस्य जो गाड़ी में थे, सात की संख्या में सदस्य थे, वो दर्शन करके आ रहे थे और पीयूष राय, अवधेश राय, पीयूष राय सन्नाप स्वर्गीय कृष्णानंद राय विधायक, अवधेश राय पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि, ये लोग 15-20 असलाधारियों के साथ स्वयं हाथ में नंगी पिस्टल लिए हुए गाड़ी को आड़ा बेड़ा करके हम लोग की गाड़ी को रोक लिए। यह घटना मिर्जाबाद मनिया चट्टी के रात में करीब 1:30 बजे की, हम लोग दर्शन करके आ रहे थे देवघर से और गाड़ी को रोक लिए, उसमें से हमारी कलपट्टी पे और हमारे ड्राइवर की कलपट्टी में पिस्टल सटा करके रोक लिए और तमाम सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को जो मोहम्मदाबाद के हैं, वोटर हैं, आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, उनको अपने साथ राइफलधारी लोगों के साथ असलाधारी लोगों के साथ लेकर के अपनी गाड़ी में, दो गाड़ी में चले गए, साथ में पुलिस भी थी, दो गाड़ी पुलिस भी वहां पे थी, पुलिस के संरक्षण में इन लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उठा करके ले गए हैं। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि क्षेत्र पंचायत के तमाम सदस्यों को वापस किया जाए ताकि वह आज होने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी निभा सके। अगर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को वापस नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसका ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कहाँ है? इधर आओ। गाड़ी में हमारा नहीं, भैया का था, भैया गाड़ी लेके, सुनो इसको गाड़ी में लेके वहाँ जाओ, गाड़ी में लो अपने, गाड़ी दे दी, गाड़ी दे दी। किस टाइम आप क्या कर रहे थे? गाड़ी में क्या कर रहे थे? वो गेटी फोर है सब, जितने साथ जा रहे हैं मैं टिकट लगा ले रहा हूं। क्या होने वाला है ये तो आपको साफ साफ जाहिर हो रहा होगा, सर के आधार पे बता रही हूँ कि अंदर बहुत कुछ होने वाला है, संभावना ऐसी बन रही है क्योंकि और ये दूसरी गाड़ी चेक हो रही है, कैमरामैन चाहेंगे कि मनोज के नंबर वार्ड है तुम्हारा? ट्रेन कहाँ है? कहाँ जल्दी जाओ, बताइए कहाँ का है? सैनिटाइजर बाहर करो, कोई सैनिटाइजर नहीं जाएगा, न सैनिटाइजर जाएगा, कुछ भी नहीं, केवल व्यक्ति के नाम से चेक करो, कोई जल्दबाजी नहीं। नए नए थोड़ा भैया फेंको ना इसको, बना लेने दो, एक मिनट सामने से हटो नहीं तुम भी फंसो। हाँ गाड़ी का नंबर सभी गाड़ियों का लेते रहना, बाहर निकालिए सर, लगा कौन भैया
लाइसेंस दिखवाया जाए। लाइसेंस फिर भी नहीं, लाइसेंस फिर भी नहीं लाया जाता ना। नो एंट्री, बिल्कुल नहीं लाया। इसकी एंट्री किसने की है? बात के लिए हम चेक कर रहे हैं भाजपा के समर्थकों को, इसीलिए चेक हो रहा है। कैमरा लगाइए जरा, ये जो भाजपा के समर्थक हैं इनकी गाड़ी में असल है और डंडे वगैरह निकल रहे हैं। भाई एक मरो बात सच नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकते हो आप। ये नहीं है, बीजेपी बनी नहीं रहेगी, ये बीजेपी बनी नहीं रहेगी। छह महीने का इंतजार देखो, छह महीने का बता देंगे हम। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? देखिए आप पे नेताजी का फोन आ रहा है। आप चलेगा भाजपा के कार्यकर्ता कुंडली पर हैं। बिल्कुल पूरी तरह से, जिस तरह से अकेला भाजपा की बात नहीं है, ये पूरा शासन प्रशासन साथ दे रहा है। इसको समाजवादी पार्टी किसी की मदद बर्दाश्त नहीं करेगी। ये गलत अन्याय कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रजातंत्र में वोट डालने नहीं दे रहे, जिस तरह अंग्रेजों के पीरियड में कुचला जाता था लोगों को, उस तरह से विचार कुचले जा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।